वर्ष 2023 के नवंबर महीने में हुए सीए की फाइनल परीक्षा में कुल 8,650 छात्र छात्राओं ने सीए की डिग्री हासिल की। रानीगंज के निखिल गढ़वाला और जामुड़िया के विजय बालुका को मिला ऑल इंडिया रैंक। 22वें स्थान पर विजय और 42वें स्थान पर निखिल ने रैंक पाकर अपने शहरवासियों को किया गौरवान्वित। रानीगंज रोटरी क्लब ने निखिल और विजय को किया सम्मानित। कोलकाता के बाद थोक मंडी के रूप में रानीगंज का नाम हमेशा राज्य भर में अव्वल रहा है और अब राष्ट्रीय स्तर की चार्टर्ड अकाउंटेंट अर्थात सीए की परीक्षा में भी रानीगंज का नाम राज्य भर में पहले नंबर पर आ रहा है, क्योंकि केवल पश्चिम बंगाल ही नहीं समूचे देश में शायद रानीगंज ही ऐसा ब्लॉक लेवल टाउन है जहां पर सैकड़ों की संख्या में छात्र छात्राएं अब तक सीए की परीक्षाएं पास कर चुके हैं। हर साल 5 से लेकर 10 छात्र छात्राएं इस शहर से सीए की परीक्षा पास करते हैं, इसलिए तो रानीगंज शहर मिनी चार्टर्ड अकाउंटेंट का शहर कहलाता है। रानीगंज शहर से अब तक 400 के करीब चार्टर्ड अकाउंटेंट बन चुके हैं जो हिंदुस्तान के कोने कोने में फैलकर अपनी सेवा प्रदान कर रहे हैं। रानीगंज शहर से चार्टर्ड अकाउंटेंट बने ज्यादातर विद्यार्थी बेंगलुरु, कोलकाता और मुंबई में कार्यरत हैं। इस वर्ष भी रानीगंज शहर से 7 छात्र छात्राएं सीए की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं। इनके नाम विजय बालुका, निखिल गढ़वाला, इशिका छाछरिया, ऋषिका झुंझुनवाला, नितिन अग्रवाल, रोहित मालोदिया एवं प्रीति शाव है। इस शहर से एक और नई उपलब्धि जुड़ गई है। अब चार्टर्ड अकाउंटेंट की परीक्षा में ऑल इंडिया रैंकिंग में भी रानीगंज शहर का नाम आया है। रानीगंज और पास के शहर जामुड़िया से 2 छात्रों ने ऑल इंडिया रैंकिंग में अपना स्थान प्राप्त किया है। दरअसल इस वर्ष चार्टर्ड अकाउंटेंट की परीक्षा में जामुड़िया के विजय बालुका को 22वां और रानीगंज के निखिल गढ़वाला को 42वां स्थान प्राप्त हुआ है। विजय बालुका और निखिल गढ़वाला ने अपने शहर का नाम रोशन किया है। बुधवार को रानीगंज रोटरी क्लब की ओर से सीए की परीक्षा में राष्ट्रीय स्तर पर रैंकिंग प्राप्त करने के लिए विजय बालुका और निखिल गढ़वाला को सम्मानित किया गया। क्लब में आयोजित सम्मान समारोह के दौरान इन 2 मेधावी छात्रों को क्लब के वरिष्ठ सदस्य सुरेन झुंझुनवाला के हाथों सम्मानित किया गया। इस मौके पर क्लब के अध्यक्ष स्मित झुंझुनवाला, सचिव ऋषि तोडानी एवं प्रोजेक्ट चेयरमैन महेश बाजोरिया मुख्य रूप से उपस्थित थे। सीए महेश बाजोरिया ने कहा कि देश भर में सीए दोनों ग्रुप की परीक्षा में कुल 32,907 छात्र छात्राएं शामिल हुए। इनमें 3,209 छात्र छात्राएं उत्तीर्ण हुए हैं, जबकि सीए के प्रथम ग्रुप की परीक्षा देने वालों की संख्या 65,294 है। इनमें से 6,176 छात्र छात्राएं उत्तीर्ण हुए और द्वितीय ग्रुप की परीक्षा देने वालों छात्र छात्राओं की संख्या 62,679 है। इनमें से 13,540 छात्र छात्राओं ने सफलता हासिल की। सीए की फाइनल परीक्षा वर्ष 2023 के नवंबर महीने में हुई थी। इस वर्ष देश भर में 8,650 छात्र छात्राओं ने सीए की परीक्षा पास कर डिग्री हासिल की है। टोटल इंडिया में शायद 50 से 60 या 65 ब्रांचेस है, इसमें फिगर नहीं पता, लेकिन उसमें से 3 ब्रांचेस इस एरिया में होना, आसनसोल, रानीगंज और दुर्गापुर ब्रांच, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ब्रांच बनने के लिए मिनिमम 200 उस सिटी में मेंबर का, सीए मेंबर का प्रैक्टिसिंग रहना जरूरी है। मैंने प्रैक्टिस में मेंबर, मैंने वो चाहे वो इंडस्ट्री में हो चाहे वो प्रैक्टिस कर रहा हो, 200 मेंबर होना चाहिए। हम लोग जब रानी ब्रांच बनाए थे, बनी थी 2014 में करीबन, तो उस समय हम लोगों ने पुराने जो रिकॉर्ड थे, अब क्या कि रानी ने पास करते बच्चे दूसरी सिटी में चल जाते हैं, या जमुड़िया हुआ चाहे दुर्गापुर हुआ दूसरी सिटी में चल जाते हैं। यहाँ पे भी हैं, मेरे सामने करीबन 20 बच्चे, हम लोग 20 लड़के थे, उसमें से 10 लड़के सीए हैं मेरे बैच के, सिर्फ रानीगंज में मैं अकेला हूँ प्रैक्टिस में, बाकी 9 कोई बॉम्बे में है, कोई कलकत्ता में है, कोई दिल्ली में है, कोई बेंगलोर में है, खैर जो भी है। तो ये जो अंचल है ये अपना बहुत मन इसमें क्या नंबर ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट बहुत हर साल आ रहे हैं, और दूसरी जो स्टडी है एरिया है उसमें बहुत अच्छे हो रहा है, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि रानीगंज शहर से और ये अपनी जो जो डिस्ट्रिक्ट है पश्चिम, ये
पश्चिम बर्धमान, इसमें दो रैंक होल्डर हुए हैं, ऑल ओवर इंडिया रैंक होल्डर हुए हैं। एक जमुनिया से हैं, इनका रैंक 22 है ऑल ओवर इंडिया रैंक, और एक जनवानीगंज से ही है, उनका 42 नंबर रैंक है। ये बनना इस अकेले में अपनी बड़ी बात है, क्योंकि एक वन ऑफ द हार्डेस्ट एग्जाम माना जाता है अपने इस देश में। और ये जैसे अपने प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि एक सीए का सिग्नेचर अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बल्कि उनके सिग्नेचर से भी इम्पोर्टेंट है। और उस परीक्षा में मतलब ऑल इंडिया रैंक लाना बहुत बड़ा सपना भी रहा था मेरा, कि ताकि मैं तो उसलिए मैं तो यही मतलब मेरे लिए तो सीए बनना भी बहुत बड़ा बात था, और रैंक होल्डर इस चेरी ऑन द टॉप आप कह लीजिए, तो मैं आप सबका शुक्रिया करना चाहूँगा। रानीगंज से विप्लव बादेकर की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। বাছাই করা গম থেকে তৈরি স্বাদ ও গন্ধে মনের পছন্দে মনপসন্দ চাকি ফ্রেশ আটা মনপসন্দ। अगर आपके पास भी है किसी कार्यक्रम, दुर्घटना अथवा समस्याओं से संबंधित ताज़ा तरीन खबर जो आप करना चाहते हैं पब्लिक टाइम्स के साथ साझा, तो हमें व्हाट्सएप पर भेजे वीडियो। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9332040391 9332185842।